राजाओं द्वारा नहीं फैलाया गया। रादर दुनिया के किसी भी राजा ने अपने धर्म को नहीं फैलाया, एक अपवाद को छोड़कर। देयर वाज वन एक्सेप्शन, उसके अलावा राजाओं ने अपना धर्म नहीं फैलाया। और ये अपवाद आपको पहचानना है, क्योंकि अपवाद अपने भारत का है, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक दुनिया का एकमात्र राजा है जिसने बुद्ध धर्म का प्रसार किया। उसने तलवार की नोक पे किया या प्यार के आधार पे किया? प्यार के आधार पे किया। तो ये जो सम्राट अशोक का ये मामला है, तो भारत में इस्लाम कैसे आया, इसके पहले हम ये देख लें। भारत की सबसे पहली मस्जिद भारत के कौन से राज्य में बनी, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। उसके पहले एक और पूछ लूँ, ये बहुत सरल सवाल है। मुसलमान राजाओं की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। दिल्ली, ठीक है। और भारत की पहली मस्जिद कौन से राज्य में बनी? मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूँ, आप उसमें से एक सही ऑप्शन चुनिए। चार ऑप्शन हैं, एक तो अपना क्या महाराष्ट्र, दूसरा दिल्ली, तीसरा उत्तर प्रदेश आगरा, चौथा केरल। कहाँ बनी है? केरल। वेरी गुड, आपका तो कॉमन से यानी इंटेलिजेंस बहुत है। केरल में, केरल में कभी किसी मुसलमान राजा का राज्य नहीं था, और मस्जिद वहीं बन रही है। कैसे बन रही भाई मस्जिद? क्योंकि मस्जिद उस समय ऐसा हुआ, केरल में मलाबार के तट पर अरब व्यापारी आते थे, अपने साथ वहां के चीजें ले आते थे, खजूर वगैरह। और भारत की जो अच्छी चीजें हैं, आम, केले, मसाले, यहां से लेके जाते थे। राजा को टैक्स मिलता था, राजा भी खुश, लोग भी खुश, व्यापारी भी खुश। अब ये व्यापारी आते रहें, इसके लिए वहां के हिंदू राजा ने मस्जिद बनवाई। अभी तो मस्जिद तोड़ने का जमाना है, लोग मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं। तो भारत में इस्लाम कैसे फैला, इसका मुख्य कारण हमको जो बताते हैं व्यक्ति, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाएं खंड 8 पृष्ठ 330 में स्वामी जी कहते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहां तलवार की नोक पर फैला। यहां के शूद्रों ने, यहां के अछूतों ने वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल किया। ये स्वामी जी कह रहे हैं। इसको हम थोड़ा कॉमन सेंसिकली देखें। अच्छा देखिए, हर एक धर्म में लोग कहीं पूजा पाठ के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं। अच्छा, हिंदू धर्म में कहाँ जाते हैं लोग? मंदिर में जाते हैं। शूद्रों को क्या माना जाता था? अछूत माना जाता था, हिंदू माना जाता था। क्या उनको मंदिर जाने की अनुमति थी? आज है 50-50, कोई है हाँ बोल रहे, कोई ना बोल रहे, तो मैं आपकी बात मिला के बोल रहा, 50-50। पहले 0, आज 50-50। अब उनको मंदिर जाने का चांस नहीं मिल रहा, कहीं तो जाना है, तो वो जाते थे सूफी संत की दरगाह पे। सूफी संत की दरगाह पे जाने की किसी को मनाही थी क्या? कोई मनाही थी? तो वो जाते थे, और इसी सूफी संतों के प्रभाव में आके भारत का इस्लाम फैला। ये इसी को एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। आपको पता होगा हमारी हिंदी फिल्मों में एक महान संगीतकार हैं जिनको बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। क्या नाम है उनका? ए आर रहमान। ए आर रहमान का पूरा नाम है अल्लाह रखा रहमान। उनका पहला नाम है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार यानी वो पैदा हुए थे हिंदू, हिंदू हिंदू से मुसलमान बने। क्यों बने भाई? क्या ओसामा बिन लादेन ने आके उनको बॉम्ब दिखाया कि तू मुसलमान बन जा? ऐसा नहीं हुआ। हुआ ऐसा दोस्तों, ये बहुत भावना का मामला था। भावना का मामला ऐसा था कि दिलीप कुमार के पिताजी को कैंसर हो गया। जब दिलीप कुमार के पिताजी को कैंसर हो गया तो काफी टेंशन में आ गए, शांति की तलाश में निकले। शांति की तलाश, मानसिक शांति की तलाश में जब निकले, उनका संपर्क आया एक सूफी संत से, और सूफी संत के प्रभाव में आके उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम को कबूल किया, ये एक उदाहरण। अब ये भारत की जो बात है, इसमें बहुत सारी चीजें हुई, उसके विस्तार में न जाते हुए इतना मैं एक घटना बताना चाहता हूँ कि वास्तव में जो बताते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा था, वास्तव में भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, धार्मिक परंपराएं, इनका जो विकास हुआ ये मेल जोल से हुआ। और ये भी बात मैं आपको जोड़ दूं कि दुनिया में जो भी विकास होता है वो मेल जोल से होता है, नफरत से, इस प्रकार की बातों से दुनिया का विकास कभी
कभी नहीं होता। और वो मेल जोल की कुछ बातें मैं आपको बता दूं, और इसमें सबसे पहला मैं अपनी ये निजी एक्सपीरियंस बताता हूँ। आपको पता होगा हिंदी फिल्म में एक और बड़े हिंदी फिल्म में तमिल फिल्म के बहुत बड़े एक्टर हैं, कोई कोई हिंदी फिल्म में भी आते हैं, कमाल हसन, कमल हसन, ठीक, कमल हसन, आपने बोला कमल हसन, मैंने बोला कमाल हसन, और चौथा उनका नाम है कमल, कमल हासन, कन्फ्यूज है, डोंट वरी, कन्फ्यूजन में निकाल देता हूँ, मैं कन्फ्यूज था, ये कमल है कि कमाल है, हसन है कि हासन है, मैं बड़ा कन्फ्यूज। तो एक बार मौका ऐसा मिला, एक बाई चांस क्या हुआ, एक बार मेरी मुलाकात इनके बड़े भाई चारुल जी से हुई। तो चारुल जी ऐसे थे, हम बैठे थे कहीं, तो भी चाय वाय पी रहे थे, तो मेरा परिचय उनसे हुआ, उन्होंने बताया मैं तो कमल का बड़ा भाई हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा सर जरा आप ऑटोग्राफ दीजिए, आप विजिटिंग कार्ड, जैसे अपने जैसे लोग करते, जब बड़े लोग से पहचान हुई तो अपन करते वैसा। मैंने उनका विजिटिंग कार्ड लिया, तो विजिटिंग कार्ड में मैंने पढ़ा उनका नाम लिखा था चारुल हासन। मैं फिर कन्फ्यूजन में आ गया, मैंने कहा सर आप हिंदू हैं कि मुसलमान? अरे बोले चारुल, मेरा नाम चारुल है, हम तो हिंदू हैं, मेरे भाई का नाम कमल है। मैंने कहा फिर ये बात तो ठीक है, पर ये बीच में फिर हासन क्या आ गया? बोले हासन हमारे परिवार के पीर का नाम है, पीर, और उस पीर से हमने अपना नाम लिया, इसलिए मैं चारुल हासन, मेरा भाई कमल हासन, मेरी भतीजी श्रुति हासन, वो भी फिल्मों में बहुत बहुत अच्छा ये करती है।